देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो पाकिस्तान नेटवर्क के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शकूर दरवेशी। नाज़रीन आज हम मौजूद हैं कराची एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सुपर हाईवे पर। आप देख सकते हैं एंट्री बोर्ड लग चुका है, तैयारियां बड़ी ज़ोरों शोर से जारी हैं। इस वक्त मंडी में सिक्योरिटी के क्या इंतज़ाम हैं और अंदर जाने के लिए शहरियों को आया कोई पासिस वगैरह का इंतज़ाम किया गया है कि नहीं, अच्छा पास कितने का इशू किया जा रहा है और यहाँ पर आने वाले शहरियों के लिए पार्किंग का क्या इंतज़ाम है, नाज़रीन हम आपको बताएंगे। आइए नाज़रीन पास काउंटर की जानिब चलते हैं, आपको बताते हैं कि यहाँ पे पास का क्या सिलसिला है। आइए जी नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पर जो है दो एंट्री जो खिड़कियाँ बनाई गई हैं, जहाँ पर एक पर जो है बाइक पास दिया जा रहा है और दूसरी जानिब जो है कार पास दिया जा रहा है। बाइक की जो प्राइस है वो 3,000 रुपये है और कार पार्क के जो है प्राइस वो 6,000 रुपये है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाई, ये जो है कार पास है, इसकी जो प्राइस है 6,000 रुपये। शहरियों की आसानी के लिए, क्योंकि वो लोग जो मवेशी मंडी में रोज़ की बिना पर जानवर देखने आते हैं, जानवर देखने के शौकीन हजरात व शहरी, उनके आसानी के लिए जो है यहाँ पर पास इशू किया जा रहा है। कार पास जो है 6,000 रुपीज़ का है और बाइक पार्क जो है 3,000 रुपीज़ का है। बाकी नाज़रीन वो शहरी जो वो लोग हैं जो पास नहीं ले सकते, उनके लिए जो है बाइक की जो बाइक पार्किंग का या कार पार्किंग का इंतज़ाम कैसा है और किस जानिब किया गया, आइए हम आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बाइक पार्किंग एरिया में। आप देख सकते हैं जो है चारों तरफ से जो है बाउंड्री लगा दी गई है और अंदर जो है कसीर तादाद में बाइक्स जो है पार्किंग की गई है। यहाँ पर लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। कराची मवेशी मंडी, आप जानते हैं, बताया जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है। लाखों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर शहरियों की आमद का सिलसिला जारी रहता है। दुनिया भर से महंगे तरीन जो है सेहतमंद जानवर जो है यहाँ मवेशी मंडी में लाए जाते हैं। उसी सिलसिले में आप देख सकते हैं लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। ये बाइक पार्किंग एरिया बनाया गया है, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, चारों तरफ जो है बाउंड्री लगा दी गई है और इस सेंटर पे जो है बाइक पार्किंग को बनाया गया है। यहाँ पर जो है पार्किंग हजरात जो यहाँ पर मौजूद है, जिनकी यहाँ पे शहरियों की बाइकों की सेफ्टी के लिए जो जिम्मेदारी लगाई गई है, यहाँ पे 3 लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं क्या सिलसिला है यहाँ पे पार्किंग का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह के करम। अच्छा ये बताएं पार्किंग का क्या सिलसिला है, कोई चार्जेस वगैरह है, कोई पार्किंग के कितने रुपये लिए जा रहे हैं? 30 रुपये चार्जिंग है। अच्छा बाइक है जी, बाइक की जिम्मेदारी आपकी होगी जी। पर्ची वगैरह भी इशू होगी या चाहिए? टोकन है, टोकन दिया जाता है। जिन उधर चेक किया जाता है, ऐसे गाड़ी नहीं जाते। अच्छा। जी हाँ, उधर जैसे गाड़ी पहुँचेगी गेट एक नंबर पे, वहाँ से चेक किया जाता है जी। जी नाज़रीन, जैसा देखा आपने कि ये बाइक पार्किंग, हजरात का कहना था कि जो भी शख्स, जो भी बाइक वाला शख्स आएगा या जो भी कार वाला शख्स आएगा, उसकी पहले जो है गेट नंबर 1 पर एंट्री होगी, उसके कागजात देखे जाएंगे, उसकी नंबर प्लेट देखी जाएगी, उसके बाद जो है वहाँ से टिकट लेकर जो है यहाँ पर पार्किंग एरिया में उसकी जो है बाइक पार्किंग की जाएगी। जी नाज़रीन, आपने देखा वो मनाजिर, जो यहाँ पर बाइक शख्स को रोका गया, जो है उसकी नंबर प्लेट चेक की गई, जो है उनके जो है कागज़ी कार्रवाई भी यहाँ पर जो है अमल में लाई जा रही है और इनके हाथ में एक पर्ची भी मौजूद है जो मंडी के जो है बाइक पार्किंग के टोकन है। हम इनसे बात करते हैं कि कितने पैसे ले रहे हैं और अपनी ज़बानी बताएंगे कि क्या सिलसिला होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले बताएं कि बाइक का टोकन कितने का है, उसके बाद गाड़ी का क्या टोकन है, फिर जो गाड़ियाँ लेकर आते हैं लोग, अपलाइट गाड़ियाँ अलाउ है कि नहीं, नंबर प्लेट आप देखते हैं, क्या सिक्योरिटी इंतजाम आते हैं? सर सबसे पहले जो बाइक है उसका 30 रुपये टोकन है और जो कार है उसका 70 रुपये का टोकन है। गाड़ी इंटर होने से पहले उसका नंबर चेक करते हैं, नंबर चेक करके उसको पर्ची देते हैं। जब गाड़ी वापस आती है फिर भी उसका नंबर चेक करके, वो जो हमारा टोकन देते हैं वो चेक करके फिर उसको जाने देते हैं। और जो अप्लाइड फॉर गाड़ियाँ हैं वो बग़ैर कागजात के हम नहीं जमा कर रहे, वो पहले उसके कागज़ देखेंगे, उसके बाद इंजन नंबर देकर फिर वो जाने देते हैं गाड़ियाँ, उसको टोकन देते हैं। कैसा ताउन रहता है अब तक जो लोग आ रहे हैं, शहरियों की बड़ी तादाद मंडी में आ चुकी है, शहरियों का ताउन है आपके साथ? जी जी, शहरियों का माशाल्लाह हमारे साथ बहुत ताउन है। जी नाज़रीन, आपने देखा जो इन शख्स का कहना था कि जो अप्लाइड गाड़ियाँ हैं उनकी जो है ये इंजन नंबर वगैरह, चेसिस नंबर वगैरह देखकर, कागजात को देखकर अलाउ करते हैं, बाकी जो मोटरसाइकिल के 30 रुपीज़ हैं और कार पार्किंग के जो है 70 रुपीज़ हैं। ये सारे इंतजाम हैं, बड़े बेहतरीन इंतजाम हैं। ये मंडी के जो गेट नंबर 1 से पहले जो है इन्होंने पार्किंग के लिए एंट्री बनाई है
जो शहरी यहाँ पार्किंग करना चाहते हैं, जो पार्किंग यहाँ करवाना चाहते हैं, जो पास नहीं बना सकते, वो 30 रुपये और 70 रुपये में अपनी गाड़ियाँ जो है यहाँ पार्किंग एरिया में पार्क कर सकते हैं। आइए नजरीन जो है मजीद इंतजाम को आपको दिखाते हैं और उससे जो है आपको आगाही देते हैं। आइए, आपने देखा बाइक पार्किंग, कार पार्किंग प्लस जो है पासिस के यहाँ पर इंतजाम कर दिए गए हैं और कराची के शहरी से फॉलो भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मरकज़ी गेट पर हैं, मवेशी मंडी के मरकज़ी गेट पे। यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइटें भी जो है लगा दी गई हैं, शाम होते ही ये लाइटें जो है जल जाती हैं और यहाँ पे आने वाले शहरियों को किसी भी किस्म की जो है मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, इस वजह से जो है यहाँ पे स्ट्रीट लाइटों का भी इंतज़ाम किया गया है। जी नाज़रीन, आपने इंतजाम देखे, सिक्योरिटी के समेत जो है मुख्तलिफ इंतजाम यहाँ पे कर लिए गए हैं, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, टेंट वगैरह जो है, सिक्योरिटी इंतजाम, पार्किंग एरिया और पानी का भी जो है यहाँ पे तकरीबन इंतजाम जो है कर लिए गए हैं। लोगों की बड़ी तादाद जो है, लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। आज 10वां रोज़ है इस मंडी को सजे हुए, लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान भर से, मुख्तलिफ अजला से, मुख्तलिफ शहरों से कराची मवेशी मंडी पे जानवरों का भी आमद का सिलसिला जारी है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ शकूर दरवेशी, देखो पाकिस्तान नेटवर्क कराची। देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD।